So we are going to start with the quantum mechanical model of atom. So yesterday we discussed that the Bohr model of atom, he considered the concept of orbits. Okay. So Bohr model of atom ने क्या consider किया था? He considered the concept of orbits, जिसमें उसने कहा था कि electron जो है वो specified orbits में move करते हैं energy states, ठीक है? तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, वी कैन बेसिकली नो देयर पोजीशन एंड मोमेंटम एट ईच एंड एवरी स्टेज, बट दिस थ्योरी इट वाज फेलिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच वी कांट जज और वी कांट एक्यूरेटली मेजर द वेलोसिटी एंड द मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स करने जा रहे हैं, विच इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की दोनों कैरेक्टर्स को कंसिडर किया, वेव कैरेक्टर को भी और पार्टिकल कैरेक्टर को, ठीक है? इस मॉडल ने दोनों को कंसिडर किया. अब ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है? अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे, देयर इज अ कंप्लीट बुक ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, एक कंप्लीट बुक है इसके ऊपर, ठीक है? बट हम इसका थोड़ा सा पार्ट ही जो मेन है और इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स वी गेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है जी? क्वांटम मैकेनिक्स से जब हम इसे डील करते हैं वी गेट अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? अब वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहां से आती है? बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर हैविंग अ वेव फंक्शन. यहां पे मैंने लिखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. हमारे पास एक वेव फंक्शन आता है जिसको हम साई कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? साई कहते हैं, ठीक है? अब ये वेव फंक्शन क्या करता है? दिस वेव फंक्शन इट इज गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? What this wave function is going to tell you? This wave function it is going to relate the position or location of an electron in space coordinate. Space coordinate का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर तीनों coordinates की बात कर रहे हैं. We are talking about the x, y and z coordinates. ठीक है जी? तो हम ये मान के चलते हैं कि दैट वी आर टेकिंग द स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम, ठीक है? और इनमें हम क्या करते हैं? वी आर टेलिंग द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो आपको जो पोजीशन बताता है वो कौन है? वेव फंक्शन, ठीक है? ओके, दिया ये नाम है बेटा. श्रोडिंगर ने इसको बेसिकली डिवेल्प किया था एटॉमिक मॉडल को, ठीक है? एरविन श्रोडिंगर ने, उसी के नाम से ही इक्वेशन बनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है बेटा? एरविन श्रोडिंगर ही बेसिकली डिस्कवर्ड द एटॉमिक मॉडल टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द वेव एंड द पार्टिकल कैरेक्टर्स, उसी के नेम पे ही ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है? अब इसमें हम लेते हैं वेव फंक्शन जो कि आपको उस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन और पोजिशन बताते हैं इन द स्पेस कॉर्डिनेट, इन द एक्स वाई एंड जेड कॉर्डिनेट, ठीक है? अगर हम अकेले साई की बात करें, ठीक है, अब मैं अकेले साई की बात करूं तो साई जो है इट इज हैविंग नो सिग्निफिकेंस. अकेले साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है? व्हाट वी हैव टू डू इज हमें उस साई के ऊपर कुछ ऑपरेटर्स लगाने पड़ते हैं. जैसे आप प्लस माइनस करते हो ना, आपके पास कुछ वैल्यूज होती हैं, आप उनको प्लस करते हो, माइनस करते हो, ठीक है? एंड मल्टीप्लाई, डिविजन, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं, जैसे मैथ्स में ऑपरेटर्स हैं आपके पास, ठीक है? तो इन द सेम वे इन द क्वांटम मैकेनिक्स वी आर ऑल्सो हैविंग सम ऑपरेटर्स, ठीक है? यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं एक ऑपरेटर की, दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है? जैसे आपके प्लस माइनस ऑपरेटर्स है वैसे ही हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आते हैं, ठीक है? हम जब उसको उस वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, what we are getting the energy of the electron, ठीक है? तो as it is अगर आप wave function की बात करो तो as it is wave function का कोई significance नहीं है,
जब आप उस वेव फंक्शन के ऊपर कुछ ऑपरेटर्स लगाओगे यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कंप्लीट एड्रेस का क्या मतलब है, देखो आपका घर है, आपके घर का नंबर है, ठीक है, घर की लोकेलिटी है, ओके, कहाँ रह रहे हो आप, द सिटी नेम, ठीक है. तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी तो हमने स्पेसिफाई करनी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में रह रहा है, क्या उसकी एनर्जी है, उसकी क्या शेप है, कैसे ऑर्बिटल में वो घूम रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हम कैसे मार्क करेंगे, उसकी एनर्जी से, उसकी शेल से, उसकी सब शेल से, उसकी ऑर्बिट से, ठीक है, उसके ऑर्बिटल्स से, राइट. तो ये सारी चीजें आपको कौन बताता है, वेव फंक्शन बताता है. बट वेव फंक्शन के साथ आपको कोई ऑपरेटर अटैच करना पड़ता है, वो तभी आपको उसकी वैल्यू बताएगा. यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू आएगी, ठीक है. तो ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट इक्वेशन है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाते हैं. ठीक है, तो मैं आपको फाइनल इक्वेशन लिख के बताएंगे. अब फाइनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं. ठीक है, एक्स आई इज इक्वल टू ई साई से, और हम कहाँ पर आते हैं. ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट की बात की है हमने, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर दूसरे कोऑर्डिनेट की, सिमिलरली कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको ये चीजें पता लग जाएगी. ठीक है, बट आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो यू कैन लर्न इट लाइक दिस. ठीक है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स लेने हैं हमने, एट, एट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एट इज अ कांस्टेंट, पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज ई माइनस बी साई इज इक्वल टू जीरो, ई माइनस बी साई इज इक्वल टू जीरो. ओके, यहां पर ई जो है That is the total energy of electron. V is the potential energy. आप पढ़ के आए हो 10th में, ठीक है, the concept of potential energy. Okay? So बहुत ज्यादा हम डिटेल में इस इक्वेशन के नहीं जाएंगे, राइट. कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर एक कॉर्डिनेट की बात है, वेव फंक्शन साई है, कर्ली स्क्वायर वाई बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर, एट, पाई स्क्वायर, पाई इज अ कॉन्स्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ के आए हैं अभी, एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन यूजिंग विच वी कैन डिराइव द एनर्जी, द शेप, साइज एंड द ऑर्बिटल शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यानी कि इस इक्वेशन को यूज करके हम उस इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताएंगे. ठीक है, लाइक यू आर हैविंग योर हाउस नंबर, लोकेलिटी, ठीक है, कहाँ रह रहे हो, सिटी नेम है. सो इन द सेम वे इफ वी वॉन्ट टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफाइड ऑर्बिट, ठीक है, सो वी हैव टू टेल इट्स एनर्जी, इन विच शेल इट इज देयर, इन विच सब शेल इट इज देयर, विच ऑर्बिटल इट इज ऑक्यूपाइंग, वेदर इट इज अलाइन टू एक्स कॉर्डिनेट, वाई कॉर्डिनेट और जेड कॉर्डिनेट. तो ये सारी चीजें आपको ये इक्वेशन बताए. ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है. ठीक है, तो हमने जस्ट इसका सॉल्यूशन पढ़ना. ओके, सेकंड थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट साई इज जस्ट अ वेव फंक्शन. ठीक है, एज इट इज साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. बट यही अगर आप उस साई का, ये जो वेव फंक्शन है हमारा, उसका स्क्वायर कर दो. ठीक है, इस साई का जब हम स्क्वायर कर देते हैं, दैट वी नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ये हमें क्या देता है, दिस गिव्स अस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने, मैंने आपको कल बताया था दैट द बोहर लिमिटेशंस वाज दैट कि उसने ये कहा था कि ऑर्बिट में उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन हमें पता है. ठीक है, बट यहाँ पर इन द वेव फंक्शन, इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वी आर बेसिकली हैव टू कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स. हम यहाँ पर ऑर्बिट की बात नहीं करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल्स, मतलब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताएंगे. मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट ही होगा. ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबल सिचुएशंस कि
जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर, लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है हम वो एज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटीज जो है, ठीक है, दीज प्रोबेबिलिटीज दे आर गोइंग टू गिव राइज अ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज आती है हमारी, ये जो ऑर्बिटल क्लाउड बन जाता है, ठीक है, इसके अंदर हम अपने इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटीज बताते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल हमेशा आपको ऐसे क्लाउड की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, ओके। सो साइज पर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, लेट मी डिफाइन दिस। सो इट इज द रीजन इन स्पेस, स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम थ्री कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है, इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ऊपर लिख देते हैं बेटा, where the probability of finding the electron is maximum, ठीक है। तो ये एक क्लाउड की रिप्रेजेंटेशन है, एक रीजन है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर हम ये कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड करने की प्रॉबिबिलिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है जी। और ये प्रॉबिबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है, हम ये किस में एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस दिस प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द साइज, ठीक है। तो जब हम उस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे वो हमें क्या बताएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहां पर होगा, हमेशा ही होगा, एंड दैट विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है जी। सो आफ्टर दिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ओके, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ऑर्बिट के कंसेप्ट के लिए बोहर थ्योरी को दिमाग में रखना है, राइट। We have to consider the Bohr theory for the concept of orbit and the Schrödinger theory or the quantum theory for the concept of orbitals. Okay? So, सबसे पहले, like we have defined the orbit and orbitals, वो उनकी definition आ जाती है, ठीक है? So, this is a well-defined circular path around which, ठीक है? In which the electron, it revolves around the nucleus, ठीक है? And orbitals, they represent the space region, ठीक है, वेयर वी फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो अभी जो डेफिनेशन हमने लिखी है मैंने उसको जस्ट सिंपली सम अप करके लिख दिया, ओके। ऑर्बिट जो है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन हम डिस्कस करते हैं यहां पर, राइट। But here, in the case of orbital, since we are taking the space coordinates, हम space coordinates लेते हैं, ठीक है, तो हम three dimensions में बात करते हैं, 3D, that means x, y and z coordinates, ठीक है। यहां पर बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और मोमेंटम हमें पता है विद सर्टेनिटी, ठीक है। हम यहाँ पर यही कहते हैं ना बोहर मॉडल ऑफ कंसेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की हमें मोमेंटम तो सर्टेनिटी से पता है कि अगर इसमें घूम रहा है तो यहीं पे उसकी कुछ पोजीशन होगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, ठीक है, दैट इज अनसर्टेन बेसिकली, क्या अनसर्टेन है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मोमेंटम एंड पोजिशन, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखने हैं हमने।
जब हम ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर, ऐसे सर्कल्स बनाते हैं, बनाते हैं ना, ठीक है। बट ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर नॉट सर्कुलर, दे हैव डिफरेंट शेप्स, ऐसी भी होती है, ऐसी शेप्स भी होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी शेप्स भी आएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स की दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट शेप, ऑर्बिट्स जो है वो हमेशा सर्कुलर होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स की शेप्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर होने के कारण ये किसी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करती हैं, सो दे आर नॉन डायरेक्शनल, सर्कल है ठीक है, सारी डायरेक्शंस में इक्वल है, ठीक है, सो इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। बट हियर व्हाट इज देयर इन दिस केस, इसमें भी एक सर्कल है, ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये जो एक सर्कल वाला है ना ऑर्बिटल, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे जो हैं दे आर डायरेक्शन, ठीक है, ये हम आगे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल, अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं इसलिए इनके नाम नहीं बता रही हूँ आपको, बस आप शेप देखो जो सर्कुलर है उसको छोड़ के बाकी सारे डायरेक्शनल कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने याद रखना है और ये आगे बहुत बहुत यूज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट दे कैन बी 2n², ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी भी ऑर्बिट में वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द फॉर्मूला 2n², जिसमें जब आप इसको n को 1 पुट करते हो तो 2 आ जाते हैं, n को 2 पुट करते हो तो 8 आ जाते हैं, 3 पुट करोगे तो हाँ जी 18 आ जाएंगे, 4 पुट करोगे तो 32 आ जाएंगे। क्लियर? तो ये फिलिंग तो हम 9th से पढ़ के आ रहे हैं, 2, 8, 18, 32 वाली, ठीक है। बट व्हाट अबाउट एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑक्यूपाइज अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जोन। अगर आप एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 के ज्यादा नहीं जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ 2 है, यानी कि एक भी जा सकता है 2 भी जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर्स। लाइक आई टोल्ड यू कि वेव फंक्शन जो है वो आपको एड्रेस बता रहा है, तो अब ये एड्रेस कौन स्पेसिफाई करता है, ठीक है, कौन बताता है कि उसका जो घर का नंबर है डेट इज दिस, ठीक है, उसका लोकेलिटी नंबर ये है, राइट, हु इज गोइंग टू टेल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन बताते हैं आपको, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट स्पेसिफाइज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो ये 4 यहाँ पर नंबर्स हम डिस्कस करेंगे जो उस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे, उसकी एनर्जी, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल, सारा कुछ बता देंगे आप, ठीक है, ये 4 चीजें बस। अब ये कौन कौन से 4 नंबर्स हैं, चल रब, ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है,
The second is azimuthal, ठीक है, इसको हम azimuthal भी कह देते हैं और एंगुलर मोमेंटम भी क्या देते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी क्या देते हैं, ठीक है, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सब्सिडरी, ठीक है, तो कुछ भी कह देते हैं हम इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल. उसके बाद थर्ड आता है मैग्नेटिक, क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल. द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस. ठीक है जी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, एंगुलर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, राइट. तो ये हमें ये सारी चीजें बताते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट वाज गिवन बाय बोहर एक्चुअली, ठीक है, और ये क्वांटम नंबर जो है वो आपको मेन शेल बताता है, मेन शेल और एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और मेन शेल्स आप पढ़ के आए हो के एल एम एन शेल्स, कि क्या इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है या एल शेल में प्रेजेंट है या एम शेल्स में प्रेजेंट है या एन शेल में प्रेजेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें टू हो जाएंगे. ओके, इसमें 8, 18 एंड जो आप पढ़ के आए हुए हो 9th में. ओके, तो इसके साथ साथ ही आपको एनर्जी भी बताते हैं इलेक्ट्रॉन की. ओके, सो दिस क्वांटम नंबर इट आल्सो टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मेन शेल बताता है और एनर्जी बताता है इलेक्ट्रॉन. ओके, कि क्या इलेक्ट्रॉन के शेल में है, एल में है, एम में है या एन में. ओके, कमिंग टू द सेकेंड वन, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप एल से डिनोट करते हो. अब आप इसको ध्यान से देखना है हमने, ठीक है, एजीमुथल, एंगुलर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एनीथिंग यू कैन, ठीक है जी. अब एल आपको बताते हैं, सबसे पहले इट वॉज गिवन बाय सॉमरफेल्ड, ठीक है, इट वॉज गिवन बाय सॉमरफेल्ड, एंड ये आपको बताते हैं सब शेल्स, कि शेल्स के भी अंदर सब शेल्स होती हैं, ठीक है, शेल्स के भी अंदर सब शेल्स होती हैं, सब लेवल्स होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल एक्वायर कर रहा है वो आपको कौन बताएगा, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, क्लियर, राइट. अब एल जो है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द एल, ठीक है, शेल्स और सब शेल्स जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. शेल्स हमें बताता है एन, सब शेल्स हमें कौन बताता है, एल, ठीक है जी. तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, एल की वैल्यू इट विल गो फ्रॉम 0 to n-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, very very important thing to note, ठीक है, सब शेल्स और शेल्स दे आर इंटररिलेटेड, शेल्स आपको n देता है, सब शेल्स आपको l देता है, तो l की वैल्यू कहां से जब कहां तक जाएगी, फ्रॉम 0 to n-1 तक जाएगी, l is giving you नंबर ऑफ सब शेल्स, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 to n-1 तक जाएगी. अब ध्यान से देखना है इसको बहुत, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम न्यू टर्म्स डिफाइन करने लगे हैं जो आपको आगे यूज होंगी बहुत ज्यादा, ठीक है. तो मैं एक टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं, हम यहाँ पर हम n की वैल्यू लिखेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n वी विल बी राइटिंग द वैल्यू ऑफ l, ठीक है जी. उसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ सब शेल, उस सब शेल का क्या नाम है,
और कितनी है वो नंबर्स में। ठीक है जी, सबसे पहले अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, कभी भी शेल जीरो नहीं होगी, ठीक है, मेन शेल विल नेवर बी जीरो, कुछ ना कुछ n की वैल्यू आएगी। ओके, n की वैल्यू 1 है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द की शेल। अब n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 माइनस 1 करूंगी तो अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो l जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग, l जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सब शेल्स आती हैं वो आती है हमारे पास s। L जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सब शेल आती है वो क्या आती है, दैट इज S। स्मॉल में लिखना है सारा, ठीक है, स्मॉल में लिखना है S। N टू के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, जीरो टू N माइनस वन है, टू माइनस वन मतलब वन, तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक जीरो आएगी और एक वन आएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं जीरो एंड वन, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक वैल्यू आई है जीरो, एक वैल्यू आई है वन। अब जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमने यहाँ पे एस लिख लिया, अब ये जो वन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आता है, पी। अब जो वन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आता है, पी, ठीक है। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, दिस इज S एंड दिस इज P। उसके बाद थर्ड वैल्यू पे चलते हैं फॉर द M, ठीक है, 0 टू N माइनस 1 है, 0 टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, यानी कि हम 0 से 2 तक जाएंगे, 0 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। तो 0 के लिए S है, 1 के लिए P है, 2 के लिए we will be writing D, तो small D लिखना, ठीक है। लास्ट में आपको होमवर्क दूंगी, उससे पहले ये name of shells और subshells देख लेते हैं। name of subshell, subshell का नाम कैसे लिखना है हमने, आपने देखना है N, N क्या है, this is 1, तो यहां पर लिखो 1। L की वैल्यू 0 है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी सबशेल आई, S आई, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी सबशेल आई, S आई, तो इसका नाम हो जाएगा 1S, क्या हो जाएगा 1S। सिमिलरली सेकंड लिखते हैं, N की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिखो 2, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आई है 0, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग S आएगा, 2 के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एक और वैल्यू आई है, डेट इज 1, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग P हो जाए। तो यहाँ पे हमने नंबर लिखना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, लास्ट देख लो 3, N की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज आई है, 0 भी आई है, 1 भी आई है और 2 भी आई है, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 इज S, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इज P, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 इज D। कितनी वैल्यूज आई, 1, 2 एंड 3। फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टू क्वांटम नंबर्स वी विल बी डूइंग टुमारो।